कि बाय अ गुड एटीट्यूड यू कैन चेंज एन अनफेवरेबल सिचुएशन इनटू अ फेवरेबल वन. सेकंड थिंग, अगर आपका एटीट्यूड सही है तो कहीं प्रकार की आपकी लेटेंट एनर्जीज, जो दबी हुई आपकी एनर्जीज है, टैलेंट्स है, विचार है, वो बाहर आ जाते हैं. तीसरा एक एडवांटेज ये है कि अगर आपका एटीट्यूड सही रहा तो आपको हर दिशा में से, हर वातावरण में से विचार भी अच्छे मिलेंगे और आपके छोटे प्रयत्न से बड़ी सिद्धि भी मिल सकती है. इट डिपेंड्स अपॉन योर एटीट्यूड्स. इट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू परसीव थिंग्स, हाउ यू लुक एट थिंग्स, हाउ यू लुक एट पीपल. मैं कई बार एक प्रसंग छोटा सा कहता हूं कि यही महीना था 1999 में, 30 दिसंबर थी, भगवान ने तीन लोगों को स्वर्ग में बुलाया. उस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट थे बिल क्लिंटन, उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे कॉलिन पॉवेल, द सेकंड इंपॉर्टेंट डिप्लोमेट इन द अमेरिकन सिस्टम, और तीसरे थे बिल गेट्स, जो सबसे दुनिया के धनाढ्य व्यक्ति हैं. तीनों को भगवान ने स्वर्ग में बुलाया. ये रीडर्स डाइजेस्ट में एक स्टोरी आई थी और भगवान ने कहा कि मुझे एक बहुत अगत्य की बात आपको करनी है और मैं ये चाहूंगा कि आप तीनों वापस पृथ्वी पे जाके पृथ्वी के लोगों को ये समाचार दें, बिकॉज यू थ्री आर वेरी इन्फ्लुएंशियल. तीनों ने कहा ठीक है बताएं. फिर भगवान ने कहा कि टुमारो आई एम गोइंग टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, कल मैं पृथ्वी का नाश करने वाला हूं, आप जाओ और लोगों को बताओ. आए तीनों वापस पृथ्वी पे, प्राइम टाइम अमेरिकन टीवी पे कैमरा के सामने प्रोटोकॉल के अनुसार. प्रथम बिल क्लिंटन पधारे और बिल क्लिंटन ने कहा कि लेडीज एंड जेंटलमैन, देयर इज सम गुड न्यूज एंड देयर इज सम बैड न्यूज. गुड न्यूज ये है कि मैंने भगवान को देखा, स्वर्ग देखा, एंड द बैड न्यूज इज दैट माय गॉड इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड टुमारो, कल वो विश्व के नाश करने वाले हैं. बोल के कैमरा से ऑफ हो गए. दूसरी बारी आई प्रोटोकॉल के अनुसार सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कॉलिन पॉवेल की. उन्होंने कहा कि लेडीज एंड जेंटलमैन, देयर इज सम बैड न्यूज एंड देयर इज सम गुड न्यूज. क्लिंटन ने क्या कहा था, गुड और बैड? ये जनाब ने क्या कहा कि देयर इज सम बैड न्यूज एंड देयर इज सम गुड न्यूज. द बैड न्यूज इज दैट माय गॉड ही एग्जिस्ट, क्योंकि उनको पता था कि उस वक्त वे इराक में क्या कर रहे हैं. एंड द गुड न्यूज इज दैट अमेरिका इज फिनिशिंग इराक टुमारो. क्यों क्रेडिट ना ले ले, वैसे भी पृथ्वी का नाश होने वाला है तो अमेरिका इराक साफ कर रहा है कल. एटीट्यूड देखो, अभिगम किस प्रकार कर रहे हैं. बात एक ही है, बात एक ही है, किस प्रकार के आपके एटीट्यूड्स हैं वो आपके शब्द में, आपके प्रेजेंटेशन में बाहर आता है. अब बारी आई इस पृथ्वी पे सबसे श्रूर बिजनेसमैन, इस पृथ्वी ने आज तक ये देखा नहीं है, बिल गेट्स की. आठवीं कक्षा फेल है और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाई माइक्रोसॉफ्ट, द रिचेस्ट मैन, सेल्फ मेड मिलियनर. कैमरा के सामने आए और बोले कि लेडीज एंड जेंटलमैन, देयर इज सम गुड न्यूज एंड मोर गुड न्यूज, नो बैड न्यूज. बैड है ही नहीं कुछ पृथ्वी पे, एटीट्यूड ये है, ये सिखाना है. तो सब तो ताजुब रह गए. फिर बिल गेट्स ने हंसते हुए बताया, द गुड न्यूज इज दैट I was selected among the top three in the population of 5.5 billion by God Himself. Credit. See, बात तो वही थी, किस प्रकार का आपका अभिगम है, आप किस प्रकार से ये बात करते हो. So the good news is that I was selected among the top three. And the more good news is that कल Microsoft Y2K के problem solve कर रहा है. जो साल 2000 जब आती थी तब टेंशन ये था कि सॉफ्टवेयर है वो पिछले दो जीरो लेगा कि नहीं, तो उसको बोलते थे Y2K प्रॉब्लम, ईयर 2000 प्रॉब्लम. तो बोले कि माइक्रोसॉफ्ट कल सॉल्यूशन ला देगी इसका, वैसे भी पूरी पृथ्वी का सॉल्यूशन आने वाला है. बात वही थी लेकिन बिल क्लिंटन ने कुछ बताई, कॉलिन पॉवेल ने कुछ बताई और बिल गेट्स ने कुछ और बात की. बिल गेट्स ने यह कहा, There is good news and more good news.
तो यही बात सीख के आप जाना कि जीवन में जो भी घटना बने, देर इज ऑलवेज गुड न्यूज एंड मोर गुड न्यूज, देर इज नो बैड न्यूज। एनीथिंग दैट इज हैपनिंग विथ यू इज ऑलवेज गुड। ये अभिगम अगर आप रखेंगे ना, तो उस गंभीर परिस्थिति में से जल्दी बाहर आ जाएंगे, उस विकट संजोग में से आपको कुछ अच्छा रास्ता मिल जाएगा, वो प्रतिकूल परिस्थिति में आपके मन में अच्छे विचार आएंगे। बेसिकली तो वो चाहिए ना, मुझे क्यों ऐसा हुआ, ये नहीं होना था, मैंने तो अच्छा ही किया था, फिर भी ये परिस्थिति कैसे खड़ी हुई, मुझे तो उसको मदद करने की इच्छा थी लेकिन उसने ये मुझे ये किया। रोते रोते तो सब जीते हैं। आपके जीवन में जो गंभीर परिस्थिति, विकट प्रतिकूल परिस्थिति है, वो नहीं आनी थी बराबर, लेकिन अब आ गई, अब क्या करोगे बोलो, रोना है या हंसना है, चॉइस इज योर्स, दैट इज कॉल्ड टुवर्ड्स बेटर लिविंग। बैठ जाना है या चलते रहना है, चॉइस इज योर्स। डिप्रेशन में चले जाना है या बड़े उत्साह से और आगे काम करना है, चॉइस इज योर्स। परिस्थिति तो आएगी, नेगेटिविटी आएगी, फेलियर्स सेटबैक्स आर पार्ट ऑफ लाइफ, एवरीबडी हैज टू गो थ्रू इट, नोबडी इज एन एक्सेप्शन। लेकिन वहां से आप कितने जल्दी बाहर आ सकते हो, उस वक्त आपने अपने आप को, अपने परिवार को, अपने व्यवसाय को किस अच्छी तरह से संभाला, दैट मेक्स यू अ परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, दैट इज बेटर लिविंग। तो इस विचार से महापुरुष जीते हैं। मैंने 1000 से ज्यादा जीवन चरित्र पढ़े हैं, फ्रॉम अब्राहम लिंकन टू जॉर्ज वॉशिंगटन टू विंस्टन चर्चिल टू नेल्सन मंडेला टू सचिन तेंदुलकर। 1000 जीवन चरित्र के सारांश रूप एक वाक्य अगर आपको कहना है तो मैं ये कहूंगा कि ये लोगों के जीवन में भी प्रतिकूल परिस्थिति, जिस परिस्थिति को अगर वही सत्य स्वरूप में वे स्वीकार ले तो तुरंत डिप्रेशन में चले जाते, लेकिन इन लोगों ने ये नहीं किया। कम वॉट मे, व्हेन द सन राइजेस आई विल रन, जब सूर्योदय होगा तब मैं दौड़ना चालू कर दूंगा। तो दैट इज ह्यूमन लिविंग।